किसी भी किस्म का रिकग्निशन हो, कोई भी एक पहचान के लिए ही कोई भी एक्टर काम करता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर काम करता है पहचान के लिए, पहले ऑफ कोर्स पैसे आते हैं, लेकिन इस वजह से जब कोई जब कोई अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो जो शायद लोगों को पसंद आया है और जो शायद लोगों ने एक तरह से आपकी मेहनत को सराहा है. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू गेट एन अवार्ड एंड रिकग्निशन फॉर योर वर्क. एंड आई विश लोकमत अवार्ड्स ऑल द वेरी 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 बेस्ट. आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन. आप हमेशा से लोगों को इन्फ्लुएंस करने रहे, आपके किरदार के माध्यम से लोगों को आपने हमेशा से इन्फ्लुएंस किया और आज इसको लेकर आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? और डिजिटल में भी आप काफी सक्रिय है, आप रील्स बनाते हैं, वो भी काफी वायरल हो जाता है हमेशा से. मुझे मजा आता है रील्स बनाने. जब हमने शुरुआत की थी 2000 में स्टार्ट में टेलीविजन करियर, तो तब ये सोशल मीडिया नाम की चीज़ थी ही नहीं. तो एक तरह से इट्स अ बेन एज वेल एज इट्स अ बून ऑल्सो कि आप इसमें घुसे पड़े रहते हो, पता नहीं चलता कि स्क्रॉल करते करते कितना टाइम निकल गया. लेकिन मुझे रील्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, खासकर अपने बेटे के साथ. आई थॉरली इन्जॉय मेकिंग रील्स एंड इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड. लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है. पहले आई रिमेम्बर मेरे पापा को लेटर्स आते थे, फैन मेल्स वगैरह सब लेटर्स वगैरह आते थे, फोटोग्राफ्स भेजे जाते थे ऑटोग्राफ करके ये सब. लेकिन आजकल यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ योर यू नो आई वोंट कॉल देम फैंस, आई विल कॉल देम डिजिटल फैमिली, बट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ देम. और सच में इतना अच्छा मौका मिला है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानने का. काफ़ी लैंग्वेजेस में किया जा रहा है. इनफैक्ट जैसे राजन कहते हैं थू थू थू, इट्स इंडोनेशिया में भी अनुपमा डब होके यू नो इट्स कमिंग, इट्स गोइंग इन साउथ अफ्रीका. इट्स मतलब सोचा नहीं था कि एक कोई ऐसा एक शो आएगा मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजन शाही. साड़ी मैंने पहनी, आप मुझे बताइए ना ये साड़ी के बारे में कैसी लग रही है. थैंक यू सो मच थैंक यू. माता रानी और महाकाल की मेहर है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके भेजे हैं जहाँ पर मुझे ऐसे रोल्स में से चूज़ करने का मौका मिला है कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहती हूँ. और थैंक गॉड पेशेंस और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. थैंक यू. हाँ मैं उन्हें हमेशा मतलब मेरे दिल से उनके लिए प्रार्थना ही निकलती है, दुआएं निकलती है. इज माय ब्रदर एंड आई लव हिम एंड बस विशिंग हिम ऑल द वेरी 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 बेस्ट. वो स्टनिंग है, वो रॉकस्टार है. थैंक यू.